सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो हे गाइस, आप सब कैसे हो? एंड गाइस, इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं फोटो एडिटिंग, बल्कि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप भी कैसे अपना सब्सक्राइब इंट्रो वीडियो बना सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आप भी इस वीडियो को देख के अपना चैनल के लिए क्रिएट कर सकते हैं सब्सक्राइब एनिमेशन वाली वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स हैं तो आपको फॉलो करना है। सो गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, मतलब ब्राउजर को या कोई से भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद यहाँ सर्च टैब पे आपको यहाँ मतलब यूट्यूब ओपन कर लेना है। सो YouTube ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है, अपने चैनल का नाम लिख देना है और सर्च करना है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम दीपक क्रिएशन। एंड यहाँ पर सिंपली आपको स्क्रीनशॉट करना है। तो स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं वॉल्यूम डाउन पावर बटन को प्रेस करूँगा तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। सो गाइस, अब इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास पिक्सआर्ट ऐप नहीं है गाइस तो पिक्सआर्ट ऐप डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो पिक्सआर्ट ऐप ओपन करने के बाद गाइस यहाँ आप देख सकते हैं जो सब्सक्राइब लिखा है और जितने सब्सक्राइबर हैं उन्हें लिखा, तो उसको आपको हटाना है। तो हटाने के लिए सिंपली आपको टूल्स पे आ जाना है और क्लोन वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ बस प्रेस कर लेना है सिंपली और इस तरह आपको ड्रॉ करना है। सो ये धीरे धीरे इरेज हो जाएगी तो आपको इस तरह कर लेना। दैन इसे हम कर देंगे डन और अब आ जाएंगे ड्रॉ वाली ऑप्शन में और इसे हम कर देंगे सेव। सो गाइस, सेव करने के बाद अब आपको ओपन करना है काइन मास्टर ऐप को। सो अगर आपके पास काइन मास्टर ऐप भी नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे इस ऐप को तो उसमें आपको लोगो देखने को मिलेगा जब वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो। और अगर आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए लिंक को ओपन करके डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको लोगो नहीं देखने को मिलेगा, मतलब फुल वर्जन ऐप है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपको इस तरह कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको इस प्लस आइकन को प्रेस करेंगे, मतलब इसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ ओपन हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको मीडिया पे जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको एक वीडियो को ऐड कर लेना है, मतलब इस वीडियो को। सो गाइस, इसे ऐड करने के बाद आपको लेयर को प्रेस करना है और मीडिया को प्रेस करेंगे। तो ये मीडिया वाले ऑप्शन तब हो गए जब आपका जो काइन मास्टर ऐप है वो फुल वर्जन होगा या आपका फ़ोन काइन मास्टर को अच्छे से सपोर्ट करता हो, तब ये आपको मीडिया वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो ओपन करने के बाद मैं इस PNG को ऐड कर लूँगा, मतलब फ़ोन फ्रेम PNG है तो इसे ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे मैं फुल स्क्रीन पर सेट कर लूँगा। सो ठीक है, फिर लेयर पे आके आपको मीडिया पे आ जाना है और अब आपको स्क्रीनशॉट किए थे पिक्सआर्ट ऐप से सेव किए थे उसी को ऐड करना है। सो ऐड करने के बाद आपको दोनों लेयर्स को खींच लेना है, मतलब लेफ्ट साइड ले लेना है पूरा और राइट साइड पे भी इसे पूरा कर लेना है। देन फिर लेयर पे आके सिंपली मीडिया पे आ जाएंगे और इस वीडियो को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्रोमा की पे आ जाना है और इसे इनेबल करना है। तो इनेबल करने के बाद ये हट जाएगा, मतलब ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा और इसे आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। तो आपके चैनल नेम के नीचे पे ही रखना और इसे थोड़ा छोटा करके ही रखना। तो ये ठीक है, देन मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये परफेक्ट है। वैसे इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, मतलब आपको इस तरह थोड़ा सा मतलब आगे करना है और आगे पीछे करके आपको मतलब जब मैं बेल आइकन को प्रेस करूँगा तब इसे स्टॉप करना, जैसे कि अभी मैं प्रेस करूँगा इसे स्टॉप करके अब इस PNG को ऐड कर लेना, मतलब बेल आइकन वाले PNG को ऐड कर लेना और इसे कुछ इस तरह राइट साइड पर सेट कर लेंगे। और इन एनिमेशन पर आके सिंपली इसे ऐड कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। सो ये ठीक है, देन अगेन प्रेस करके ओवरऑल एनिमेशन पर जाएंगे और इसे फ्लिकर नहीं और देख लेते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्लोटिंग और ट्रैप्टिंग, तो ये दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, इतना करने के बाद आपको अगेन प्रेस करना है और आउट एनिमेशन पे आगे इसे फाइट कर लेना है और इसे कम कर देना है। सो ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये अब सही है। सो गाइस, आप इसमें अपना वॉइस डालना चाहते हैं तो इसे प्रेस करना। अगर आप इसमें सिंपली कोई सा म्यूजिक डालना चाहते हो तो इसे प्रेस करना, मतलब ऑडियो वाले आइकॉन को प्रेस करना और इसमें कोई सा भी आप अपना म्यूजिक को ऐड कर सकते हो।
या अपने रिकॉर्ड साउंड को भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इस म्यूज़िक को ऐड किया हूँ, तो इस तरह आपको ऐड कर लेना है। सो गाइस अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये बन गया गाइस, बहुत ही आसान था। अब इसे आपको सेव करना है, तो गाइस सिंपली आपको इसे प्रेस करना है एंड इसे आपको फुल HD पे रख लेना है। फाइन, देन इसे सिंपली आपको एक्सपोर्ट को प्रेस कर देना है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप हमारे चैनल पे फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। सो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।